जय माता दी फ्रेंड्स, आज दूसरा नवरात्रा और दूसरे नवरात्रे पे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी रोज़ यूज़ करते हैं, खाते हैं, अगर मैं फ्रूट्स की बात करूँ या वेजिटेबल्स की बात करूँ या डेयरी की बात करूँ, तो शायद ऐसे छोटे छोटे वेंडर्स से हम लोग लेते हैं जो लारी वाले हैं या छोटे शॉप्स वाले हैं, और आमतौर पे मैं देखता हूँ कि लोग उनसे काफ़ी छोटी छोटी बार्गेनिंग कर रहे होते हैं, नारियल वाले से या सब्जी वाले से या दूध वाले से, शायद कभी कभी अपने स्वीपर से या माली से एक आध दो दिन अगर वो नहीं आए तो उनकी सैलरी काट लेना। एक हमें किसी प्रकार का आनंद मिलता है, शायद हम इसको बहुत बड़ी सेविंग गिनते हैं या मे बी लोग समझते हैं कि हमने कुछ कम में काम करा लिया या कुछ कम में खरीद लिया। तो मैं कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही छोटे लोग होते हैं, अपने गांव से बहुत दूर आते हैं, इनकी फैमिली होती है, आपको नहीं पता हो किस परिस्थिति में रह रहे होते हैं, और आप उनके साथ किसी भी तरह की लेन देन करते हैं, उनका व्यापार होता है और उनका घर उस पर पलता है। तो आप इसको एक चैरिटी की तरह ही समझें, आप भले चीजें देख परख के लें उनसे, लेकिन उनके साथ ये छोटी छोटी बार्गेनिंग ना करें। ये एक तरह का आपका डोनेशन ही है और आप किसी को भीख नहीं दे रहे हैं। ये वो लोग हैं जो भीख मांग के काम चलाना नहीं चाहते। हम कभी भी किसी की खुददारी पे बार्गेनिंग ना करें। ये वो लोग हैं जो व्यापार करके अपनी आमदनी करते हैं, चार रास्ते पे चौराहे पे वो भीख नहीं मांगते हैं। मैंने काफी बार कोशिश की है चार रास्ते पे जो लोग भीख मांगते हैं उनको काम देने की, मुझे आज तक एक भी व्यक्ति, एक भी भिखारी ऐसा नहीं मिला जो काम करने के लिए राजी था और उसने ऑफर एक्सेप्ट की कि हाँ ठीक है, आप मेरे को नौकरी पे रखिए, मैं काम करूंगा। तो मेरे आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि आप ये छोटी छोटी बार्गेनिंग ना करें, और ये जो व्यापार कर रहे हैं उसमें शायद वो कुछ पैसे बचाएंगे, घर लेके जाएंगे, कुछ उनको जिंदगी में मदद मिलेगी, कहीं ना कहीं से वो पॉजिटिव वाइब्स, वो ब्लेसिंग्स आपको रिटर्न जरूर मिलेंगी। थैंक यू। जय माता दी।